देव के लायक लड़की चुनना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सा, और इस जिम्मेदारी में हमसे कोई चूक नहीं हो सकती। पर भाभी सा, आजकल ज्यादा मदर इंडिया बनना ठीक ना है, ये कलयुग है, देव को देवदास बनते देर ना लगती। सही कहा सारिका, ये कलयुग है और हमारा देव इस कलयुग का राम, वो अपनी मासा की बात का मान ना रखे हो ही नहीं सकता। हम अपने बड़े बेटे के लिए ऐसी बहू लेकर आएंगे कि उदयपुर की हर हवेली, हर कोठी में उसकी चर्चा होगी। उसकी आंखों में ऐसी निश्चलता होगी कि हीरे की चमक को भी फीकी कर दे। सोने के कड़ों से सजे उन हाथों में इतनी बरकत होगी कि अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहेगा। छोरी तू है बावरी सी, हाथ न आवेरी, हिरणी जैसी चाल थारी, दिल न लुभावेरी। अपनी मासूमियत और अच्छाई से वो हमारे पूरे परिवार को जोड़े रखेगी। आँखों में सपने चमके, रगड़ा आ गया हमारा तीरथ सा। भाईसा भाईसा, थारी मुल्की ने जितना सोचा था, यो शहर तो उससे भी ज्यादा सुंदर है। और जब शहर इतना सुंदर है तो गुल्की सोच रही है देवी हुकुम का घर कितना सुंदर होवेगा। बावरी सी हाथ न आवेरी, ए रघुड़ा जल्दी से हमारी जुतियां गिर, जमीन तवे जैसी जल रही है। ओ छन छन बाजे पायल थारी, नाच न चावेरी, थारी आँखों में सपने चमके, चुक चुक जी ओरी। सोने की तारों से बनी चुनरी ओढ़े वो इस खानदान की चमक और शोहरत को दुगनी कर देगी। हमारे देव की बहू इस घर का मान भी होगी और मर्यादा भी। वो शक्ति, शारदा और लक्ष्मी का रूप होगी। उसके पैर चौहान हाउस में पड़ते ही हर दिन होली और हर रात दिवाली सा माहौल होगा।